जैसे कि मेरे चैनल का नाम है घर द्वार और लाइफ विद ज्योति पांडे, तो मैं अपने घर द्वार से समय निकालकर आपके लिए लेकर आई हूँ राजस्थान के गौरव चित्तौड़गढ़। जी हाँ, वही चित्तौड़गढ़ जहाँ के रावल रतन सिंह और रानी पद्मिनी की कहानियाँ बहुत प्रसिद्ध हैं, वहाँ की कुछ कहानियाँ, वहाँ के कुछ किस्से। तो इस वीडियो के अंत तक बने रहिए और देखिए कि यहाँ की सत्य और असत्य घटनाओं पर किस तरह मैंने अपने ओर से प्रकाश डाला है। नमस्कार दोस्तों, आज का सफर है चित्तौड़गढ़ शहर का, जहाँ की कहानियों में सिर्फ राजाओं का शौर्य ही नहीं बल्कि रानियों की वीर गाथाएं भी शामिल है। चित्तौड़गढ़ के बारे में वैसे तो आपने बहुत कुछ सुना भी होगा और बॉलीवुड की मूवीज में देखा भी होगा। आमतौर पर किले के बाहर ही प्रजा का गाँव होता है, पर चित्तौड़गढ़ के किले के अंदर ही पूरा गाँव बसा हुआ है। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ किले में प्रवेश के 7 द्वार बने हैं और घुमावदार रास्ते से होते हुए हम ऊपर जा रहे हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि इस पूरे टूर में आपकी गाड़ी आपके साथ रहेगी, जिससे आप थकने से बच सकते हैं। द्वार से अंदर जाते हुए ये जो घर, ये मंदिर, ये जो भी आप कुछ देख रहे हैं, ये सब किले के अंदर ही बसा हुआ है। इस किले में सबसे पहले हम पहुंचे राणा कुंभा महल, जो कि महाराणा उदय सिंह के जन्म का साक्षी है, जो आगे चल के उदयपुर शहर के संस्थापक बने। इस महल का निर्माण बप्पा रावल जी ने किया और इसका पुनर्निर्माण राणा कुंभा जी ने करवाया। कहा जाता है कि राणा कुंभा महल मीराबाई जी का भी घर था। महल में प्रवेश करते ही ये जो आंगन हमें दिखा, यहाँ पर राजा रानियां सुबह सुबह आकर सूर्य को नमस्कार करते थे, उनके दर्शन करते थे और अपने दिन की शुरुआत करते थे। सूर्य को देखे बिना वो खाना भी ग्रहण नहीं करते थे। राणा कुंभा महल का जो आर्किटेक्चर उस समय रहा होगा, बहुत ही शानदार और बहुत ही सुंदर रहा होगा। वो जो ये बचे हुए अवशेष हैं, उसे देखकर हम अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह से ये बनवाया गया था। यहाँ रोज़ शाम को एक लाइट एंड साउंड शो होता है, जो कि पूरे चित्तौड़गढ़ के इतिहास को बताता है, यहाँ की सारी कहानियाँ, यहाँ के सारे सत्य असत्य चीज़ों पर प्रकाश डालता है। महल के अब जिस भाग में हम जा रहे हैं, वहाँ पे एक और मर्दाना और एक और जनाना पोर्शन बना हुआ है, जहाँ पर महल के सारे रंगारंग कार्यक्रम हुआ करते थे। तो एक साइड पर सारी लेडीज़ बैठती थी और एक साइड पर सारे जेंट्स बैठते थे। देखिए, इस छोर से पूरा चित्तौड़गढ़ कितना सुंदर दिखाई दे रहा है। रानी पद्मिनी की सुंदरता और उनके जौहर के शौर्य से तो आप सभी वाकिफ होंगे। ये जो महल है, ये रानी पद्मिनी और अन्य रानियों के सर्दी में इस्तेमाल होने वाला महल था। तो चलिए अंदर चलते हैं और देखते हैं कि ये महल के कमरे अंदर से किस तरह से दिखाई देते हैं। आइए चलिए मेरे साथ। कहानियों की माने तो कहा जाता है कि इस कमरे में रानी पद्मिनी जी रहा करती थी, जो कि सर्दियों के मौसम में यहाँ आया करती थी। अंदर से ये कमरा कुछ इस तरह का है। आज भी यहाँ का मंदिर, ताखे और ये ऊंची ऊंची दीवारें उनके यहाँ रहने के एक एहसास मात्र से ही मन को खुश कर देती हैं कि एक वो दौर रहा होगा जब वो यहाँ रहती होंगी। मतलब सोच के बहुत ही अच्छा लगता है इस बारे में। आगे हम रानी पद्मिनी के प्रसिद्ध पद्मिनी महल भी चलेंगे आपको लेकर के। इसके बाद कुछ दूर पर हम पहुँचे कुंभा स्वामी मंदिर में। चलिए अंदर चलते हैं। चित्तौड़गढ़ में स्थित कुंभा स्वामी मंदिर भगवान विष्णु के शुकर अवतार यानी कि वराह रूप में स्थित है। इस मंदिर को महाराणा संग्राम ने अपनी बहू मीराबाई जी की विनती पर बनवाया था और ये सामने इसी परिसर में मीराबाई मंदिर भी स्थित है, जहां मीराबाई जी अपने श्याम की उपासना में लीन राजसी सुख को त्याग कर रहने लगी थी। एक साक्ष्य ये भी है कि मीराबाई की कृष्ण भक्ति से परेशान होकर उनके ससुर और जेठ ने इसी मंदिर में उन्हें विष का प्याला पिलाया था, जो कि कृष्ण चमत्कार से अमृत में परिवर्तित हो गया था और मीराबाई जी सकुशल स्वस्थ थी। इसके बाद फूल की टोकरी में सांप रख के भेजा, जो कि फिर से कृष्ण चमत्कार द्वारा एक माले के रूप में परिवर्तित हो गया था। मीराबाई जी यहाँ दिन भर बैठ के सिर्फ हरि कीर्तन करती थी और अपने आराध्य, अपने इष्ट देव कृष्ण को याद किया करती थी। मीराबाई मंदिर के ठीक सामने मीराबाई जी के अपने गुरु स्वामी रविदास जी के पद्मचिन्ह का मंदिर स्थित है, जिसे मीराबाई पूजा करती थी। कुंभा स्वामी मंदिर के बाद हम पहुँचे
वो स्तंभ देखनी जो साक्षी रहा चित्तौड़गढ़ की असहनीय घटना रानी पद्मिनी के जौहर की। इस स्तंभ का नाम है विजय स्तंभ, जो कि 9 मंजिला लंबा बना है। ये स्तंभ राणा कुंभा जी ने बनवाया था। राजस्थान पुलिस और राजस्थान के स्कूलों के प्रतीक चिन्ह में ये स्तंभ शामिल है। पहले इस विजय स्तंभ के अंदर जाने का रास्ता खुला हुआ था, पर किन्हीं कारणों वश अब ये रास्ता बंद किया जा चुका है। जानते हैं दोस्तों, ये वीडियो पिछले 3 हफ्तों से बना हुआ रखा है, पर मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं इस जौहर वाली जगह के बारे में कुछ शब्द लिख पाऊँ। जिसे देखने मात्र से एक पीड़ा का एहसास हो रहा था, उसके बारे में कुछ कह पाना, कुछ बोल पाना मेरे लिए बहुत ज़्यादा कठिन था। जौहर स्थल, वही जगह जहाँ पर रानी पद्मिनी जी ने खिलजी के नापाक इरादों से खुद की ही नहीं बल्कि अपनी प्रजा की सभी स्त्रियों की रक्षा के लिए जौहर किया था। मतलब जलते हुए कुंड में जीवित रूप से अपनी आहुति दे दी, परंतु अपनी परछाई भी खिलजी को नहीं देखने दी। ऐसी थी मेवाड़ की रानी पद्मिनी जी। अपनी आन बान के लिए मृत्यु को स्वीकार कर गई, पर अन्य किसी के समक्ष ना आई। वो वक्त, वो माहौल सोचकर रूह सहर जाती है। क्या दृश्य रहा होगा जब रानी पद्मिनी जी के साथ सैकड़ों रानियों ने मिलकर यहाँ अग्नि कुंड में अपनी आहुति देकर जौहर किया होगा। एक कहानी ये भी है कि रावल रतन सिंह की मृत्यु की खबर और खिलजी के चित्तौड़गढ़ के कब्जे के चलते ये जौहर हुआ, जिसमें खिलजी का पद्मिनी जी के प्रति किसी आकर्षण का उल्लेख नहीं है। इस प्रांगण में ही स्थानेश्वर महादेव का शिव मंदिर भी है, जो कुरुक्षेत्र के पुराने मंदिरों में से एक है। मंदिर के सामने ही एक छोटा सा कुंड भी स्थित है, जिसे गौमुख कुंड के नाम से जाना जाता है। ये वही द्वार है जहां से रानी पद्मिनी जौहर के लिए भीतर आई और मंदिर जाकर शिव जी की पूजा की, फिर जौहर के लिए चली गई। सच बता रही हूँ, अगर आपको इतिहास में ज़रा सा भी इंटरेस्ट है ना, और आप ऐसी जगह पे घूमने जाते हैं, तो आपको एक अलग सी ही पावर महसूस होती है, जो कि शायद वर्ड्स में बताना बहुत मुश्किल होगा। इस जगह को आपने फोटोज़ में अक्सर देखा होगा। जी हाँ, ये है रानी पद्मिनी जी का पद्मिनी महल, जहाँ रानी रहा करती थी। कहते हैं कि ये महल पानी के बीचों बीच है, इसलिए रानी पद्मिनी गर्मी के मौसम में यहाँ रहा करती थी। कहते हैं कि रानी पद्मिनी इतनी सुंदर थी कि अगर वो पानी भी पीती थी ना, तो उनके गले से वो दिखाई देता था। वो इतनी कोमल, इतनी सौम्य थी। ये वही हिस्सा है चित्तौड़गढ़ का, जहाँ से खिलजी ने रावल रतन सिंह को युद्ध में पीछे हटने को लेकर के एक शर्त रखी थी कि मैं रानी पद्मिनी को देखना चाहता हूँ। चलिए हम भी अंदर से इस जगह को देखते हैं कि क्या सच में इसकी ऊंची खिड़की से पद्मिनी पैलेस दिखाई देता है। ये जगह अंदर से एक बाग के रूप में बनी हुई है, जहाँ पर लोग सैर के लिए आया करते थे उस समय भी और आज भी। यहाँ लाइन से दासियों के कमरे बने हुए हैं। यहाँ की बनावट में ये खिड़की झरोका बहुत प्यारा लग रहा है। तो ये सामने है वो कमरा और सामने है वो खिड़की, जहाँ से पद्मिनी महल पूरी तरह से दिखाई देता है। ये देखिए कितना सुंदर है इस जगह से देखने पर ये महल। पद्मिनी महल के सामने ये जो कमरा है, इसके चारों तरफ शीशे लगे हुए थे, जिसमें से खिलजी को रानी पद्मिनी को दिखाया जाना था, पर वो रानी पद्मिनी की झलक भी नहीं पा पाया। अब हम आ गए हैं उस जगह पर जहाँ से खिलजी ने युद्ध के लिए पूरे चित्तौड़गढ़ की घेराबंदी शुरू की थी। ये भी चित्तौड़गढ़ में प्रवेश का एक रास्ता था, जहाँ वो सामने मैदान जैसी जगह आप देख रहे हैं, वहाँ पर खिलजी ने 8 महीनों तक अपनी सेना के साथ चित्तौड़गढ़ की घेराबंदी की थी। ये सामने वो पूरा मैदानी जगह है जहाँ पर खिलजी ने 8 महीनों तक अपनी सेना के साथ बिना युद्ध के ही घेराबंदी करके रखी हुई थी। इस जगह को चित्तौड़ी पहाड़ कहा जाता है, जो कि चित्तौड़ के उत्तरी भाग में स्थित है। अपने 8 महीने की घेराबंदी के बाद भी खिलजी रावल रतन सिंह जी को झुका नहीं पाया और धोखे से अपने साथ बंदी बना करके ले गया। लेकिन उनके जाने के बाद रानी पद्मिनी और उनके साथ सभी स्त्रियों ने इस चित्तौड़गढ़ का शौर्य नहीं मिटने दिया। ये सामने है जैन कीर्ति स्तंभ। कीर्ति स्तंभ 7 मंजिल का बना हुआ है। इस स्तंभ का निर्माण एक जैन व्यापारी ने करवाया था। ये स्तंभ जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर श्री आदित्यनाथ के समर्थन में बनवाया गया था। स्तंभ के ही सामने
वो दूर दिखाई दे रहा है एक म्यूजियम, जहाँ पर चित्तौड़गढ़ के इतिहास को दर्शाया गया है। एक शस्त्र का संग्रहालय भी बना है, पर समय की कमी के कारण हम वहाँ जा नहीं पाए। अंत में थाली खाकर हमने भी चित्तौड़गढ़ का स्वाद चखा, जिसमें था दाल बाटी चूरमा गट्टे की सब्जी कढ़ी पापड़ और किया। इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त। आप जाने से पहले मेरी मेहनत को प्रोत्साहन देते जाइए, लाइक सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करते जाइए। जल्दी मिलते हैं।